हाजरीन जुमा, आज शव्वाल की दूसरी तारीख है। शव्वाल का ये पहला जुमा है या ये रमदान के बाद ये पहला जुमा है। इस मुनासबत से रमदान के बाद इस्तिकामत, इस अहम मौजू का इंतखाब किया गया है। हम मुसलमानों की ये ज़िम्मेदारी है इबादात और अल्लाह के जो फ़राइज़ और हुकूक़ हैं वो हमेशा अदा करें। ऐसा ना हो कि हम रमदान में कहने को तो बड़ी इबादत करें और जैसे रमदान रुख्सत हो जाए, कैदो बंद से शैतान आज़ाद हो जाए, तो हम बंदे भी इबादत से आज़ाद हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और अफसोस की बात है कि मुसलमानों की मेजॉरिटी इसी पर है कि अक्सर मुसलमान माह रमदान में पंज वक्ता नमाज़ों की और नवाफिल की बड़ी पाबंदी करते हैं, लेकिन जैसे ईद की नमाज पढ़ लिए तो नमाज़ों की पाबंदी, मस्जिदों को आबाद रखना और इबादात को अंजाम देना, ये बहरहाल कभी और कोताही देखी और पाई जाती है। ये बड़ा अफसोसनाक पहलू है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ये हुक्म दे रहा है कि हम दीन पर मजबूती से कायम हो जाए, दीन में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्म काफ्फ वला तत्तबिउ खुतवातिश्शैतान, ऐ मुसलमानों इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। ऐसा नहीं कि इस्लाम पर अमल सिर्फ रमदान में होगा, शरीयत की पाबंदी सिर्फ रमदान में होगी, ऐसा नहीं है। इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ, यह हमेशा के लिए है। वला तत्तबिउ खुतवातिश्शैतान, और शैतान के रास्ते पर मत चलो, शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो, शैतान की इताअत व पैरवी मत करो। शैतान की मुखालफत करोगे तभी दीन और शरीयत पर चल सकते हो, और जहां शैतान के नक्शे कदम पर चलोगे शरीयत छूट जाएगी, दीन छूट जाएगा, तो फिर अंजाम क्या होगा हम उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस्तिकामत के हवाले से और इसकी अहमियत और इसकी फजीलत के हवाले से बयान फरमा रहा है, इन्नल लदीना कालू रब्बुनल्लाह, बेशक जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तकामू, फिर इसी ईमान और अकीदे पर जम गए, डट गए, ततनज्जलु अलैहिमुल मलाइका, तो ऐसे लोगों पर फरिश्ते नाजिल होते हैं, फरिश्ते आते हैं मौत के वक्त, अल्ला तखाफू वला तहजनू, फरिश्ते आकर क्या कहते हैं, टेंशन मत लो, गम मत करो, खौफ मत खाओ, व अबशिरु बिल जन्नति लती कुंतुम तुआदून, और तुम खुश हो जाओ उस जन्नत से जिसका तुमसे वादा किया जा रहा था। ये इस्तिकामत की फजीलत है कि इस्तिकामत हम जितना ज़्यादा इख्तियार करेंगे, दीन पर जितनी पाबंदी हम करेंगे, दीन पर मजबूती से अमल हम करेंगे, हम जन्नत के रास्ते पर होंगे। मौत के वक्त फरिश्ते हमें जन्नत की बशारत देंगे। इसी अल्लाह तबारक व तआला इस्तिकामत के हवाले से फरमाता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह थुम्मा इस्तक़ामू, बेशक जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, फिर इसी ईमान और अकीदे पर जम गए, इस्तिकामत इख्तियार किए, ला फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो ऐसे लोगों पर ना कोई गम है, ना कोई टेंशन है, ना कोई खौफ है। उलाइका अस्हाबुल जन्ना, ये कौन लोग हैं जिन्हें कोई गम नहीं है, टेंशन नहीं है, खौफ नहीं है, रंज नहीं है, तकलीफ नहीं है, कहा ये जन्नत वाले हैं। खालिदीन फीहा, ये जन्नत में हमेशा हमेशा रहेंगे, जज़ाअम बिमा कानू यअमलून, ये बदला है जो कुछ वो दुनिया में अच्छा अमल करते थे, नेक अमल करते थे। तो यहाँ इस्तिकामत के बारे में अल्लाह तबारक व तआला जन्नत की बशारत सुनाई है, जो इस्तिकामत वाले हैं, दीन पर चलने वाले हैं,
वो जन्नत वाले हैं, वो जन्नत में दाखिल होंगे। अगर हम दीन पर जमते हैं, दीन पर जमे रहते हैं, दीन की पाबंदी करते हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला की जानिब से खुसूसी इनाम नाजिल होगा, इस दुनिया के अंदर भी और मरने के बाद भी जन्नत की शक्ल में अजीमुश्शान नेमत मिलेगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ऐ मोमिनो, अगर तुम अल्लाह के दीन की हिफाजत करोगे, अल्लाह के दीन की मदद करोगे। क्या मतलब अल्लाह के दीन की मदद? दीन पर जम जाना है, दीन पर डट जाना है, मजबूती से दीन को नाफिज करना है, अमल करना है, उसकी पाबंदी करना है। अगर अल्लाह के दीन की पाबंदी करोगे, दीन की मदद करोगे, तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे पांव को जमा देगा, सुबात कदमी अता करेगा। ये इस्तिकामत का फायदा है। अल्लाह ताला फरमाता है, وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا। अगर ये लोग दीन पर जमे रहते, अल्लाह ताला क्या कह रहा है, अगर ये लोग दीन पर जमे रहते, इस्तिकामत इख्तियार करते, गुनाहों से बचते, नाफरमानी से बचते, दीन पर जम जाते, لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا, हम इन्हें मीठा पानी पिलाते, नेमतों से नवाजते। وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ। अगर बस्ती वाले ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते, तकवा क्या है? यही इस्तिकामत है। दीन पर जम जाते, नेकी पर, इबादत पर जम जाते, गुनाहों से बचते, तो अल्लाह ताला कहता है, लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्ध, जमीन और आसमान के खजानों को हम खोल देते, बरकतों को खोल देते, नेमतों की बारिश होती, रहमतों की बारिश होती। किन लोगों पर? जो लोग इस्तिकामत वाले होते, जो दीन पर जम जाते। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नसीहत कर रहा है, वला तकूनु कल्लती नकज़त गज़लहा मिन बाद क़ुव्वतिन अनकाथा। मक्का में एक पागल औरत थी जो सूत काटती थी, धागा बनाती थी, और पागल थी तो सुबह से लेकर शाम तक काम करती, फिर उसको तोड़ देती। अल्लाह ताला आयत नाज़िल करके हम लोगों को नसीहत कर रहा है कि तुम उस औरत की तरह ना बन जाओ जो दिन भर सूत काटती है, धागा बनाती है, और शाम होते होते उसको तहस नहस कर देती। क्या नसीहत इसमें? नसीहत इसमें यह कि हम कहने को तो खूब इबादत किए, नेक काम किए, और फिर गुनाहों की जिंदगी में आ गए, फराइज को छोड़ दिए, जन्नत के रास्ते पे चल रहे थे, अब जहन्नम के रास्ते पे आ गए, रहमान के रास्ते पे थे, अब शैतान की बात मान रहे, फजर की नमाज पढ़ते थे, अब सोते। वला तकूनु कल्लती नकज़त गज़लहा मिन बाद क़ुव्वतिन अनकाथा। खबरदार तुम उस औरत की तरह ना बन जाओ जो औरत बड़ी मेहनत के साथ, मशक्क़त के साथ दिन भर सूत काटती है, धागा बनाती है, और जैसे काम मुकम्मल होने वाला होता है, जुनून और पागलपन की वजह से वो अपने धागे और अपनी पूरी मेहनत की कमाई को तहस नहस कर देती, बर्बाद कर देती है। तो अल्लाह ताला हमें नसीहत करके, नसीहत कर रहा है कि हम उस औरत की तरह ना बने। हम किस तरह बने? हम दीन पर जम जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहा, या अब्दुल्लाह ला तकुम मिस्ल फलान। ऐ अब्दुल्लाह, देखो तुम फलां आदमी की तरह ना बन जाओ। ऐ अब्दुल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदे, तुम फला आदमी की तरह ना बन जाओ। कौन फला आदमी? कान यकूमुल्लैल फतरक क़ियामल्लैल। फला आदमी रात भर जागता था, क़ियाम करता था, और फिर क़ियाम करना छोड़ दिया। क़ियाम कर रहा था, क़ियामुल्लैल कर रहा था, तहज्जुद पढ़ता था, लेकिन क्या आया? छोड़ दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम नसीहत कर रहे कि उस आदमी की तरह मत बन जाओ। किस आदमी की तरह? जो नवाफिल की पाबंदी करता था फिर छोड़ देता है। फराइज के बारे में हमारी कितनी पाबंदी होनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवाफिल के सिलसिले में नसीहत कर रहे हैं, देखो फला आदमी की तरह मत बन जाना, जो क़याम करता था, क़याम करता था फिर छोड़ दिया। तुम कैसे बनो? तुम क़याम करो तो क़याम करते रहो, छोड़ो मत। तहज्जुद पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, छोड़ो मत। इसी पर जम जाओ, छोड़ना नहीं इसको।
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسا تھا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیسے کرتے تھے, تو جانتے کیا جواب دیا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ کہا کانا عملہ دیمتن, کانا عملہ دیمتن, آپ عمل کرتے تھے, آپ کا عمل ہمیشگی والا ہوتا تھا, چھوڑ پکڑ آپ کا عمل نہیں تھا, آپ کا عمل بالکل ہمیشگی والا ہوتا تھا, آپ کرتے تھے تو کرتے چلے جاتے تھے, چھوڑتے نہیں تھے, چھوڑنا آپ جانتے ہی نہیں تھے. رب کا جو حق ہے, اللہ کا جو حق ہے, رب کی بندگی اور اس کے فریضے کا جو حق ہے, آپ چھوڑتے نہیں تھے, جو کرتے تھے کرتے چلے جاتے تھے. شعبان کا آپ روزہ رکھتے, رکھتے چلے جاتے, عشرِ ذیلحج کا روزہ رکھتے, رکھتے چلے جاتے, عرفہ کا روزہ رکھتے, محرم کا روزہ رکھتے, رکھتے چلے, چھوڑتے نہیں تھے. اعتکاف کرتے, ہر سال اعتکاف کرتے, ایک سال آپ نے اعتکاف چھوڑ دیا کسی وجہ سے, شوال کے مہینے میں آپ نے اس کی قضا کی ہے, بعد میں رکھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرتے تھے کرتے چلے جاتے تھے, چھوڑتے نہیں تھے. ظہر کے بعد آپ دو رکعت سنت پڑھتے تھے. ایک مرتبہ وفد آیا, مہمان کی ضیافت میں, گفتگو میں, بات چیت میں آپ کی ظہر کی دو رکعت سنت چھوٹ گئی, آپ نہیں پڑھ سکے مہمان کی خدمت میں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد دو رکعت آپ نے پابندی کی. ازواج مطہرات میں سے کہتی ہیں کہ جب بھی اللہ کے نبی ہمارے گھر میں آتے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دو رکعت نماز پڑھتے تھے. ظہر کی رکعت ایک مرتبہ چھوٹی تھی, ظہر کی سنت ایک مرتبہ قضا ہوئی تھی, لیکن جب آپ نے عمل کرنا شروع کیا عصر کے بعد, آپ ہمیشہ آپ کا معمول یہ بن گیا کہ آپ دو رکعت نماز پڑھا کرتے تھے, ہمیشہ پڑھتے تھے. جس دن عصر کی, جس دن ظہر کی دو رکعت آپ سے چھوٹ گئی اور آپ نے عصر کے بعد قضا کی, اس دن سے لے کر آپ نے ہمیشہ اس کی آپ نے پابندی کی ہے. یہ ہے استقامت, چھوڑ پکڑ یہ نہیں ہے. جو عمل ہے, جو حق ہے, جو فریضہ ہے, اسی پر ڈٹ جاؤ, جم جاؤ, پابندی کرو, یہ استقامت کا مفہوم ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, کہا وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دُوِّمَ عَلَيْهِ. مسلم شریف کی روایت ہے, اس لفظ کے ساتھ مسلم کی روایت ہے اور الفاظ بدل کر کے بخاری کے اندر بھی روایت موجود ہے. ان احب الاعمال الى الله ما دوم عليه وان قل, اللہ کی نگاہ میں سب سے اچھا عمل جس کو ہمیشہ کیا جائے گرچہ وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. دیکھیں دین جذباتیت کا نام نہیں کہ آج جذبہ آیا تو پورا قرآن ختم کر دیے, جذبے میں آئے تو پوری رات جاگ لیے, جذبات میں آئے تو بہت کچھ کر لیے, اچھے کام کر لیے, پھر ٹھنڈے ہو گئے, پھر چھوڑ دیے. اللہ کی نگاہ میں سب سے افضل عمل وہ ہے جس کو ہمیشہ کیا جائے گرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. دس آیت پڑھو ہر روز پڑھو, تین آیت پڑھو ہر روز پڑھو, جو ہو سکتا ہے کرو لیکن ہمیشہ کرو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سوال کیا گیا کہ بندہ سکون کب حاصل کرے گا, یہ دنیا کی زندگی ہے, آدمی کبھی تکلیف میں, بیماری میں, رنج میں, غم میں, بہت ساری تکلیفوں سے جھیلتا گزرتا ہے, تو بندے کو سکون کب ملے گا سوال کیا گیا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے کیا کہا, جب بندہ اپنے پیر کو جنت میں رکھے گا تب اسے سکون ملے گا. جھیلو, اللہ کے دین پر جم جاؤ اور اس میں جو مشقت آ رہی ہے اس کو برداشت کرو. روزہ رکھ کر کے جو بھوک کی شدت برداشت کرتے تھے, پیاس کی شدت برداشت کرتے تھے, رات میں جاگ کر کے نیند کی قربانی دیتے تھے, قیام اللیل کرتے تھے, فجر میں پہلے بیدار ہوتے تھے, جو جھیلتے تھے, جو تکلیف اللہ کے سلسلے میں برداشت کر رہے تھے, برداشت کرنا سیکھنا چاہیے اور اسی پر جم جانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ, اللہ کے سلسلے میں خوب جہاد کرو, مجاہدہ کرو, کوشش کرو, پریشانی جھیلو, تکلیف برداشت کرو,
जितना कि हक है, अल्लाह के सिलसिले में मुजाहदा करो, तकलीफ झेलो, अल्लाह के लिए कुर्बानी दो। वो कुर्बानी माली एतबार से हो, वक्त के एतबार से हो, मेहनत के एतबार से हो, कुव्वत के एतबार से हो, जान के एतबार से हो, ये अल्लाह को अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा है, जिंदगी का यही मकसद है कि हम अपने रब को पहचानें और उसको पहचान करके अपनी जिंदगी कुर्बान कर दें, उसी पर इबादत पर जम जाए। इसीलिए अल्लाह ने हमको पैदा किया है इस रूए जमीन पर या इस कायनात में बेशुमार मखलूकात हैं जिनकी कोई इंतहा और इब्तिदा नहीं है, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम इंसानों और जिन्नातों को पैदा किया है अपनी इबादत के लिए। अल्लाह ने हमको पैदा किया और इंसानों को पैदा किया किसके लिए? अपनी बंदगी के लिए, इबादत के लिए, तौहीद के लिए, सजदा के लिए। वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, अपने रब की बंदगी करो यहां तक कि मौत आ जाए। वमा खलक्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन्नातों और इंसानों को सिर्फ अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। आप देखिए सारी मखलूक अल्लाह के लिए सजदा करती है, अल्लाह की हमदो सना बयान करती है। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान की सारी मखलूक, ये कीड़े भी, ये मकोड़े भी, ये जानवर हैवानात नबातात, जमीन आसमान सूरज सितारे पौधे दरख्त जानवर हैवान, सारी मखलूक अल्लाह की हमदो सना बयान करती है, सजदा करती है। वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहु, मगर तुम उनकी तस्बीह और इबादत को नहीं समझ सकते। मगर ये सारी मखलूक अल्लाह के लिए सजदा रेज है, सब अल्लाह के लिए सजदा कर रहे हैं, सब अल्लाह की बंदगी कर रहे हैं, मगर इंसानों और जिन्नातों से सवाल होगा, जजा और सजा का मामला है। पूरी कायनात और पूरी मखलूक अल्लाह की हमदो सना बयान कर रही है, मगर कयामत दिन उनके लिए जजा और सजा नहीं, ये किए तो इनको सवाब मिलेगा, जन्नत में दाखिल किया जाए, पहाड़ इबादत कर रहा था जन्नत में दाखिल किया जाएगा, ऐसा नहीं है। मगर इंसान के लिए जजा और सजा का मामला है, इंसान अच्छा करेगा तो अच्छा पाएगा, नहीं अच्छा करेगा, बुरा करेगा तो बुरा पाएगा। तो हम इंसानों की जो जिम्मेदारी है कि हम अपने मकसद, जिंदगी के मकसद को समझें कि अल्लाह ने हमें इबादत के लिए पैदा किया है, तो हम इबादत के लिए कमर बस्ता हो जाएं और हमेशा अल्लाह की इबादत करें, मौत तक अल्लाह की बंदगी करें। और जैसे जैसे ये जिंदगी का सफर ढलता रहे, आदमी बुढ़ापे की तरफ बढ़ता रहे, मौत से करीब होता रहे, इबादत में कमी नहीं होनी चाहिए, इबादत में तेजी होना चाहिए और ज्यादा इबादत करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आदमी बूढ़ा हो जाए तो इबादत करना छोड़ दे, कम कर दे, बल्कि जैसे उम्र ढलती रहे इबादत में और शौक होना चाहिए, और जज्बा होना चाहिए, और ज्यादा इबादत करना चाहिए। क्यों? यही नेकियां है, आखरत का तोशा है, यही नेकियां कयामत के दिन फायदा पहुंचाएंगी। एक नेकी घट गई तो कोई देने के लिए तैयार नहीं होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत इस हवाले से हमें ये बात मिलती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमजान में एक कुरान खत्म करते थे जिब्रील को सुना करके। जिस साल आपकी वफात हुई आपने दो मरतबा कुरान खत्म किया था, यह आखिरी साल आखिरी रमजान की बात है। जैसे जैसे जिंदगी घटती जाए और उम्र बढ़ती जाए और मौत से बंदा करीब होता जाए, इबादत के अंदर तेजी आना चाहिए, ज्यादा इबादत करना चाहिए। एक खत्म आप करते थे सुना करके, लेकिन जिस साल आपकी वफात हुई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो मरतबा कुरान मुकम्मल सुनाया था। हर साल आप 10 दिन का एहतिकाफ करते थे, और जिस साल आपकी वफात हुई प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 दिन का एहतिकाफ नहीं किया था, 20 दिन का एहतिकाफ किया था। यह पैगाम है, ये नसीहत है, ये इबरत है कि बंदा जिस कदर मौत से करीब होता जाए इबादत के अंदर तेजी लाना चाहिए और ज्यादा इबादत करना चाहिए और खैर का काम करना चाहिए। रमजान हमसे रुखसत हुआ, शव्वाल का महीना शुरू हो चुका है, दूसरी शव्वाल की दूसरी तारीख है। इस हवाले से हमारी एक जिम्मेदारी ये बनती है कि हम रोज़ा रख करके जैसे हम तरबियत और आदि हो गए थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस इस सिलसिले में है कि शव्वाल के 6 रोज़े रखे जाए, नफली है, फ़र्ज नहीं, नफली है, लेकिन बड़ी फजीलत है। अगर बंदा इस सुन्नत पर अमल करे, इस हदीस पर अमल करे और 6 रोज़ा रखे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जब उठाया जाएगा
तो उसका शुमार किन लोगों में से होगा? पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखा है। अगर हर साल आदमी इस हदीस पर अमल करे तो उसका शुमार किस में होगा? हर साल रोज़ा रखा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सौम रमज़ान थुम्मा अतबअहु सित्तम मिन शव्वाल فذلك صيام الدهر। मुस्लिम शरीफ की रवायत है, अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रमज़ान का रोज़ा रखे फिर रमज़ान के बाद शव्वाल के छः रोज़े रखे, क्या फजीलत है? गोया कि वो पूरा ज़माना रोज़ा रखा है, हमेशा रोज़ा रखा है। कितने रोज़े होंगे? 35 रोज़े होंगे, 29 रमज़ान के और 6 शव्वाल के, या 30 रमज़ान के 6 शव्वाल के, 36 और 35 रोज़े बनते हैं। बंदा अगर इसकी पाबंदी कर ले जाए, हर साल इस रोज़े पर अमल करे, शव्वाल के 6 रोज़े रखे, क्या मकाम और क्या फजीलत है? गोया कि पूरी ज़िंदगी उसने रोज़ा रखा है। हम रोज़ा रख करके आए, रमज़ान का मुकम्मल रोज़ा रखें, लेकिन क्या हुक्म दिया जा रहा है? क्या हुक्म दिया जा रहा है? शव्वाल के 6 रोज़े और रख लो, इस्तिकामत है ये, दीन पर जम जाओ, रोज़ा रखते थे और रोज़ा रखो। नवाफिल की हम पाबंदी करें, ये नवाफिल बड़े माना रखते हैं, बहुत वज़न रखता है। फ़राइज़ में अगर कोई कमी कोताही रह गई, अल्लाह तबारक व तआला नवाफिल के ज़रिए से उसको मुकम्मल कर देगा। नवाफिल नवाफिल है, फ़राइज़ फ़राइज़ है, रमज़ान का रोज़ा रोज़ा है, नफिल कोई भी रोज़ा और नफिल रोज़ा है, लेकिन अगर रमज़ान के रोज़े में कोई कमी कोताही हो गई तो उस कमी को ये नवाफिल रोज़े मुकम्मल कर देंगे, बराबर हो जाएंगे। फ़र्ज और नफिल कभी बराबर नहीं हो सकते दुनिया के अंदर, अजर व सवाब के एतबार से कभी बराबर नहीं हो सकते हैं, लेकिन क़यामत के दिन अगर फ़राइज़ में कोई कमी कोताही बाकी रह जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़ल व करम से नवाफिल के ज़रिए से उसको पूरा कर देगा। तो हमें कसरत से नवाफिल की पाबंदी करना चाहिए, उसका एहतमाम करना चाहिए। हमारे असलाफ़ ये कहते थे कि बिसल अब्दु अब्दुल्ला यारिफ रब्बहु इल्ला फी रमज़ान, कितना बुरा आदमी वो है जो अपने रब को सिर्फ रमज़ान में पहचानता है। तो हम रमज़ान ही ना बने, हम हकीकी मानों में सच्चे मुसलमान बन जाएं, हम दीनदार बन जाएं, दीन पर जम जाएं। अगर हम सिर्फ रमज़ान में रोज़े रखें और गुनाहों से बचे, तकवा की ज़िंदगी इख्तियार करें और नमाज की पाबंदी करें, तिलावत की पाबंदी करें, और रमज़ान गुजर जाए, मस्जिद से कोई रिश्ता नहीं, जमात से कोई रिश्ता नहीं, दीन से कोई रिश्ता नहीं, जिक्र अस्कार से कोई रिश्ता नहीं, इबादत से कोई रिश्ता नहीं, बस जैसे जानवर ज़िंदगी गुजारता है हम भी जानवरों की ज़िंदगी गुजारें, तो यही मफहूम है कि कितना बुरा आदमी वो है जो सिर्फ अपने रब को रमज़ान में पहचानता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिकामत के हवाले से हमें बहुत शानदार दुआ सिखलाई है आपने, या मुकल्लिबल क़ुलूब थब्बित क़ल्बी अला दीनिक। दूसरी दुआ जो सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है, अल्लाहुम्मा मुसर्रिफल क़ुलूब सर्रिफ क़ुलूबना अला ताअतिक, ऐ दिलों के फेरने वाले, ऐ दिलों के फेरने वाले, तू हमारे दिलों को अपनी बंदगी और इताअत पर हमें फेर दे। यानी हमारा दिल ऐसा हो कि रब के लिए राजी हो और हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए तैयार हो, कमरबस्ता हो, हमारा दिल अल्लाह की बंदगी पर मायल हो। ये तौफीक मांगनी चाहिए, ये दुआ करनी चाहिए, अल्लाहुम्मा मुक़ल्लिबल क़ुलूब सर्रिफ क़ुलूबना अला ताअतिक, या मुसर्रिफल क़ुलूब सर्रिफ क़ुलूबना अला ताअतिक। इस तरह की जो दुआ है हमें इसका एहतमाम करना चाहिए, पढ़ना चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला से नेक तौफीक मांगना चाहिए। दुआ है रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको, आप सबको और सारे मुसलमानों को दीन पर इस्तिकामत की तौफीक अता फरमाए और दुनिया में जब तक जिंदा रखे ईमान और तौहीद पर कायम रखे, और जो हमें मरीज़ हैं अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से उन्हें शिफाए कामला अता फरमाए, जो परेशान अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए, जो तंगदस्त है उनकी तंगदस्ती को दूर फरमाए, जो मकरूज़ है अल्लाह ताला उनके कर्ज की अदायगी का रास्ता हमवार फरमाए और आसान फरमाए, और हमारे माल में औलाद में बरकत अता फरमाए, हमको अपने मुल्क में अमन और अमन अमान अता फरमाए, खैर व बरकत अता फरमाए, हमारे हर चीज़ में अल्लाह तबारक व तआला खुशहाली अता फरमाए, और गज़ा के मुसलमानों की मदद फरमाए, मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी और हरमैन शरीफ़ैन की हिफाजत फरमाए, मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमाए, और सारे मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, जहन्नम की याद से हम सबको महफूज रखे, अदाब कब्र से बचाए, दज्जाल के फितने से बचाए, और हम सबको और सारे मुसलमानों को अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से जन्नतुल फ़िरदौस में दाखिला नसीब फरमाए आमीन या रब्बिल आलमीन। अकूलु क़ौली हाज़ा واستغفرالله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.